और 1/2 त्रिघात बहुपद के शून्यक है, और फिर यहाँ शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करें। चलिए देखते हैं, हमारे पास बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू में 2x³ माइनस का 5x² माइनस का 14x और प्लस का 8। चलिए हम लोग देखते हैं x बराबर 4 पर, पहले बहुपद का मान देखते हैं 4 पर क्या होगा। 2 × 4³ माइनस का 5 × 4² माइनस का 14 × 4 और फिर यहाँ पर प्लस का 8। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 4³ 64, 64 × 128 माइनस 16 × 5 = 80, 14 × 4 = 56 और प्लस का 8। इसको और इसको जोड़ देते हैं, आ जाएगा 136 और यहाँ भी 136, जीरो आ जा रहा ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 4 जो है बहुपद 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 किसका पी एक्स इक्वल टू में 2x³ माइनस का 5x² माइनस का 14x प्लस 8 का शून्यक है, का शून्यक है, ये हमने दिखा दिया। अब दूसरा देखते हैं x बराबर -2 पर, देखिए -2 पर ठीक है, 2 × -2³ माइनस 5 × -2² प्लस माइनस का 14 × -2 और प्लस का 8। चलिए अब इसे भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, -8 × -16 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 14 × 28 और यहाँ पर 14 × 28 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं 36 माइनस का और ये दोनों को जोड़ देते हैं प्लस का 36, जीरो आ जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर -2 बहुपद बहुपद पी एक्स इक्वल टू में 2x³ माइनस का 5x² माइनस का 14x प्लस 8 का शून्यक है, का शून्यक है। चलिए एक और बच गया, क्या बच गया जी, देख लेते हैं किस पे चेक करना है, 1/2 पर। चलिए देख लेते हैं x बराबर 1/2 पर, 1/2 2 × 1/2³ माइनस 5 × 1/2² माइनस 14 × 1/2 और प्लस का 8, यहाँ से कट जाएगा 7 बनना, 2 × 1/8 माइनस 5 × 1/4 और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा इससे, तो ये 1/4 माइनस 5/4 और प्लस का 1, अलसी में जाएगा 4, 1 − 5 + 4, 4 × 5 = 5, 0/4 यानी कि 0। तो इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 1/2 बहुपद बहुपद जो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू में 2x³ माइनस का 5x² माइनस का 14x प्लस 8 का शून्यक है। तो हमने साबित कर दिया तीनों को, अब इसके बाद देखिए हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। चलिए अब इसमें मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू में 4, बीटा इक्वल टू में -2 और गामा इक्वल टू में 1/2। बहुपद से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 2, b का वैल्यू मिल जाएगा -5, c का वैल्यू हो जाएगा -14, d का मिल जाएगा 8। चलिए अब देखते हैं बहुपद का, बहुपद के शून्यकों का योग माइनस का b बाई a, इसके इक्वल होगा तो 4 प्लस माइनस का 2 प्लस का 1/2 इक्वल टू माइनस ऑफ b -5 और बाई में 2, दिया जाएगा आपका 2 + 1/2, यहाँ 5/2 है, इधर भी एलसीएम लेके जोड़ लेते हैं, 2 × 4 + 1, दोनों तरफ 5/2 आ गया ना जी। चलिए ये सत्यापित हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर शून्यकों के दो दो करके गुणनफल का सी बाई है ना जी, तो 4 × -2 −2 × 1/2 फिर प्लस में 1/2 × 4 इक्वल टू में हो जाएगा सी बाई ए यानी कि −14/2, ये माइनस का 8 माइनस का 1 और प्लस का 2 इक्वल टू में ये 7 बनो कर जाएगा -7, तो इधर भी वही देखो यहाँ पे भी -7 आएगा, इधर भी -7 हो गया सत्यापित। अच्छा शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, माइनस का डी बाई ए, चलिए तो −D/A यानी अब लिख सकते हैं, ये देखो 4 × −2 × 1/2 शून्यकों का गुणनफल और इधर माइनस का डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 है और ए का वैल्यू है 2,
दो से दो इसको काट देंगे, इसको चार बार, इधर भी माइनस चार इधर भी माइनस चार, ये भी आपका सत्यापित हो गया। सुनको और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापना हो गई। क्वेश्चन नंबर 4।